हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन्वेंट्री मैनेजमेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि कैसे हमारे स्टोर में जो स्टॉक इन और आउट हो रहा है या जो स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए रिटेल ग्राफ में हम इन्वेंट्री के डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के प्रोसेस को समझते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट। ये रिटेल ग्राफ का होम स्क्रीन है। यहाँ हम इन्वेंट्री ऑप्शन में प्रोडक्ट कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। प्रोडक्ट कन्वर्जन का यूज़ क्या है सबसे पहले इसे समझते हैं। तो आपने देखा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो चीनी की बोरी होती है, बेसिकली हमें उस चीनी की बोरी के एक एक किलो के पैकेट्स बनाने हैं। तो उस चीनी की बोरी यानी उस प्रोडक्ट को उन पैकेट्स में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए हम प्रोडक्ट कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। मान लो आपको कोरोना किट बनानी है तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे उसमें सैनिटाइज़र हुआ, आपका मास्क हुआ, आपके ग्लव्स हुए, तो इनको मिलाकर आपकी कोरोना किट बनती है। तो हमारे पास इनपुट प्रोडक्ट ये तीन हो गए और आउटपुट प्रोडक्ट कोरोना किट हो गया। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन आता है इश्यू लोकेशन ट्रांसफ़र का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं इसका विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें कई ऑप्शंस होते हैं जैसे व्यू, रेफरेंस, ऑप्शंस, उसकी रिपोर्ट और मास्टर डाटा। तो हम होम पर आते हैं। इश्यू लोकेशन ट्रांसफ़र बेसिकली स्टॉक जिस लोकेशन में हमारे पास है उस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे हमें वो स्टॉक ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम ये इश्यू लोकेशन ट्रांसफ़र यूज़ में लेते हैं। यहाँ से हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अपना स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा ट्रांजेक्शन आता है वो आता है रिसीव लोकेशन ट्रांसफ़र का। अभी हमने इश्यू ट्रांसफ़र लोकेशन से जिस लोकेशन के लिए स्टॉक ट्रांसफ़र किया है उस लोकेशन पे स्टॉक रिसीव करने के लिए रिसीव लोकेशन ट्रांसफ़र का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो चौथा ट्रांजेक्शन आता है वो आता है रिकंसाइल करंट स्टॉक का। सॉफ्टवेयर में जो स्टॉक हमें शो हो रहा है वो अगर फिजिकल स्टॉक के साथ मैच नहीं हो रहा है तो सॉफ्टवेयर में स्टॉक को कम या ज़्यादा करके हम फिजिकल स्टॉक के साथ मैच करते हैं। ऐसा करके हम उन दोनों के बीच हो रहे डिफरेंस को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद जो पांचवा ट्रांजेक्शन आता है वो आता है शॉर्टेज का। ये भी रिकंसाइल की तरह बेसिक टूल है। जैसे हमारे पास फिजिकल स्टॉक की क्वांटिटी 10 है और हमें हमारे सॉफ्टवेयर में स्टॉक कम करना है तो हम यहाँ उसे शॉर्टेज कर सकते हैं। इसके बाद जो छठा ट्रांजेक्शन आता है वो आता है सरप्लस। ये ट्रांजेक्शन भी रिकंसाइल के काम आता है। इसमें स्टॉक की क्वांटिटी प्लस कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास फिजिकल स्टॉक क्वांटिटी 5 है लेकिन सॉफ्टवेयर में एक ही शो हो रहा है, तो मुझे 4 स्टॉक और ऐड करने के लिए मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा और 4 स्टॉक ऐड कर दूंगा। तो इससे मेरा फिजिकल स्टॉक और सॉफ्टवेयर स्टॉक सेम हो जाएगा, यानी वैल्यूज मेंटेन रहेगी। इसके बाद जो सातवां ट्रांजेक्शन आता है वो आता है ओपनिंग स्टॉक एंट्री। हमारे स्टॉक में जो भी प्रोडक्ट की ओपनिंग हमें फिल करनी है तो हम यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और जो भी फिजिकल स्टॉक जिसकी क्वांटिटी 10, 20 जितनी भी हमें रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी ओपनिंग हम यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद जो आठवां ट्रांजेक्शन आता है वो आता है रिकंसाइल ओपनिंग स्टॉक का। मान लो आपने स्टॉक की गलत ओपनिंग फिल कर दी तो इस ट्रांजेक्शन से हम उसे रिकंसाइल कर सकते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके उसकी ओपनिंग को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उसके एक्चुअल स्टॉक को यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन आता है वो आता है कैलकुलेट स्टॉक वैल्यू का। इसमें हम हमारे स्टॉक डाटा को डिफरेंट पैरामीटर के साथ जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे परचेज रेट पे, कॉस्ट रेट, MRP, बिलिंग रेट, ट्रेड रेट या सेल रेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सभी ट्रांजेक्शन्स को देखा और समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली विजिट @www.swindia.com।